300-400 मीटर में, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा फ्रेम ड्रॉप होता है, या फिर आप रेंडर लैग भी बोल सकते हैं। तो ये है iPad 9 जनरेशन, जिसका कि हम करने वाले हार्डकोर वाला BGMI टेस्ट, और इस बार आपको देखने को मिलेगा FPS मीटर भी, और साथ ही साथ बैटरी भी देखेंगे कितनी ड्रॉप होती है। क्योंकि जब तक इसमें iOS 16 था, इसमें गेम इतना तगड़ा चलता था, बिल्कुल 60 FPS चिपक के, लेकिन जब से इसमें iOS 17 आया, यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप वगैरह लैग वगैरह होना स्टार्ट हो गया है। तो वो चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस किस सिचुएशन में जो लैग वगैरह करता है। तो अगर आपको भी इसी तरह का गेमिंग रिव्यू देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। यह iPad 9 जनरेशन जो कि 2021 में आया था, और इसमें हमें देखने को मिलती है एप्पल की A13 बायोनिक चिप, जो कि सेम है iPhone 11 में और 11 Pro में, पर यहाँ पे जो रैम है वो सिर्फ 3GB है, और यहाँ पे जो स्टोरेज है 64GB है, और मेरे पास जो वेरिएंट है ये वाईफाई ओनली है। वैसे इसमें सेलुलर भी आता है, लेकिन रैम उसमें भी 3GB देखने को मिलती है, और जो इसकी डिस्प्ले है वो है 4:3 वाली 2K 1440p रेजोल्यूशन वाली, जो कि IPS डिस्प्ले है 60Hz की। और उसके अलावा बैटरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, 8500mAh की बैटरी है। वैसे इसका प्राइस 27-28 के आसपास रहता है, लेकिन फिलहाल सेल चल रही है तो यहाँ पे 26 का ये मिल रहा है, और काफी लोगों ने तो डिस्काउंट लगा के 24 तक भी खरीदा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट है iOS 17.0.3। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गेम को, और इस बार जो मैं अपनी पुरानी आईडी से खेलूंगा, जो कि मतलब 4-5 साल पुरानी है, ताकि जो लॉबी भी जो है तगड़ी आए, क्योंकि iPhone 12 वाले रिव्यू में काफी लोग बोल रहे थे कि नूब लॉबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 100% चार्ज है, और वाईफाई भी यहाँ पे कनेक्टेड है, और जो ईयरफोन मैं यूज करूंगा वो है वायर्ड वाली रियलमी की, और जो ब्राइटनेस हम रखेंगे वो है 60-70%। और ग्राफिक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ स्मूथ एक्सट्रीम, वैसे ये बैलेंस एक्सट्रीम तक भी जाता है, और अगर आप HDR करेंगे तो ये जो अल्ट्रा पे आ जाएगा 40 FPS पे, पर हम जो खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम पे। तो सबसे पहले हम खेलेंगे TDM, उसके बाद एक इवेंट वाला क्लासिक मैच, और उसके बाद जो है नॉर्मल क्लासिक मैच, और पूरे टाइम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, और यहाँ पे FPS मीटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे FPS मीटर लगाने में बहुत ज्यादा पंगे करने पड़े हैं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर उसको PC में डाला, फिर उसके ऊपर एक टूल से FPS मेजर करे, फिर दोबारा फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, और फिर दोबारा जो एडिटिंग में अलाइन करा। तो देख रहे हो कितने पंगे करने पड़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर किसी को इससे सिंपल तरीका पता है FPS चेक करने का iOS में तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए बैटरी 98% है, वाईफाई कनेक्टेड है, ईयरफोन, और टाइम आप देख लीजिए 5:06 हो गए हैं। तो सबसे पहले FPS मीटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मूथ एक्सट्रीम पे 60 FPS दिखा रहा है, तो इसको स्मूथ अल्ट्रा पे जैसे ही करेंगे तो ये जो 40 FPS हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्मूथनेस भी आप देख सकते हैं कम लग रही होगी आपको 40 FPS पे, तो इसको वापस 60 कर देते हैं। तो TDM वगैरह में इतना लैग नहीं होता ज्यादातर डिवाइसों में। तो आप जो है हाईलाइट देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा। पूरा TDM खत्म हो गया, और एकदम जो है तगड़ा वाला चला है, मतलब 59-60 FPS ऐसे ही आते रहे पूरे टाइम। पर लेकिन जो है लास्ट में जैसे ही यहाँ पे मैच खत्म हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 FPS तक ड्रॉप हुआ था एक सेकंड के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने क्लासिक मैच की तरफ। तो अब से जो आप हैंड कैम की जगह स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग 60 FPS पे है, तो वहाँ पे अगर फ्रेम ड्रॉप होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे पूरा मैच दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ पे जो है फ्रेम ड्रॉप या लैग वगैरह हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेन से लैंड करता हूँ, तो यहाँ पे जो 2 बार FPS ड्रॉप होते हैं एक सेकंड के लिए, उसके बाद जो वापस 60 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारी भीड़ आ जाती है एनिमीज की।
तो अब आप यहाँ पे देखना, जैसे मैं ड्रॉप लूटने जा रहा होता हूँ तो यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है जो कि 52 FPS तक जाता है, जो कि एक रेंडर लैग है क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो यहाँ पे एक गाड़ी आने वाली है एनिमीज की, इसलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट मैच जो कि नॉर्मल इरेंगल है, तो यहाँ पे मुझे इतना फ्रेम ड्रॉप वगैरह जंप करते टाइम देखने को नहीं मिलता। Don't give up. Your teammate. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो आपको अगर गेम खेलते हैं तो पता होगा सामने स्क्वाड हाउस है, तो वो जैसे ही रेंडर डिस्टेंस में आता है 300-400 मीटर में तो यहाँ पे बहुत तगड़ा फ्रेम ड्रॉप होता है, या फिर आप रेंडर लैग भी बोल सकते हैं। FPS जो है 39 तक जाते हैं एक सेकंड के लिए, फिर बाद में जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैच वगैरह खत्म हो चुका है, आपने देख ही लिए होंगे हाईलाइट। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 6:09 हुए हैं, लगभग एक घंटा हो गया है, और यहाँ पे जो बैटरी है वो है 74%। तो मुझे लगता है आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी, बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज मुझे इसकी बहुत तगड़ी लगी, इसका जो प्राइस है फिलहाल जो चल रहा है 25-26 के आसपास, उस प्राइस में मुझे नहीं लगता इससे तगड़ी कोई गेमिंग करवा सकता है। बिल्कुल जो है FPS चिपक के आते हैं 60 FPS रिकॉर्डिंग के बाद भी, उसके अलावा ग्राफिक्स भी तगड़े रहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पिछले साल तक इसमें कुछ भी लैग वगैरह रेंडर लैग कुछ नहीं होता था। लेकिन मैंने इसको जितना खेला है हर मैच में जो है रेंडर लैग मुझे देखने को मिला है, जैसे कोई एनिमी की गाड़ी आती है या फिर स्टार्टिंग में, बाद में जो फिर नॉर्मल हो जाता है। और अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी भाई अभी भी इसकी एक्सीलेंट में बोलूंगा। तो यहाँ पे हमने एक घंटा गेम खेला है तो बैटरी जो है 98 से 74 हुई है, मतलब 24% के आसपास ड्रॉप हुई है, और अभी तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट थी। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते तो और भी 1-2% कम ड्रॉप होती है। तो बैटरी के मामले में डेफिनेटली 4-5 घंटे चलता तगड़ा, जो कि काफी बढ़िया है। तो iPad 9 जनरेशन जो इसका प्राइस है उस हिसाब से अभी भी रिकमेंडेड रहेगा गेमिंग के लिए, पर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग करते हो या स्ट्रीमिंग वगैरह करने की सोच रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन वाले iPad पे जाना पड़ेगा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।